अपने एक फेसबुक पोस्ट को लेकर केतकी चितले एक मराठी एक्ट्रेस चर्चाओं में आ गई हैं। उन्हें गिरफ्तार करके 18 मई तक हिरासत में भेज दिया गया है। यही नहीं, उनके खिलाफ 5-5 FIR दर्ज करवाई गई हैं और साथ ही NCB की महिला कार्यकर्ताओं ने केतकी के ऊपर अंडे और काली स्याही फेंकी है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर क्या कारण है कि केतकी के ऊपर 5-5 FIR दर्ज करवाई गई और साथ ही साथ उन्हें जेल भेज दिया गया। और अगर बात की जाए धाराओं की तो उनके ऊपर IPC की धारा 500, 501, 505/2, 153(a) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप लगा है कि एक्ट्रेस ने शरद पवार जो कि NCB के प्रमुख हैं उनके खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था और इसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि जिस पोस्ट की बात की जा रही है उस पोस्ट को केतकी ने लिखा ही नहीं है। एक तरफ राजनीतिक दल भी इसकी आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाषा का इस्तेमाल सही ढंग से होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस पोस्ट की तो इस पोस्ट की सच्चाई ये है कि इस पोस्टी में ना तो शरद पवार का नाम लिया है केतकी ने और ना ही सीधे सीधे उनके ऊपर कोई भी निशाना साधा है। दरअसल ये पोस्ट मराठी में लिखा गया है। इसका अगर हिंदी में मतलब निकालें तो हिंदी में मतलब निकलता है, तुकाराम कहते हैं अरे पवार 80 साल के हो गए हो, नर्क तुम्हारा इंतजार कर रहा है। 17 बार लाल टपकती है, स्वामी समर्थ को उल्टा सीधा बोलते हो, वो तुम्हारे बाप के बाप हैं, तू कौन है, तुम्हारे पापों का गड़ा भर गया है, फ्री का खा खा कर मुंह टेढ़ा हो गया है। इसमें कहीं भी शरद पवार का या NCB का नाम नहीं लिया गया, लेकिन बावजूद इसके केतकी पर मुकदमा हो गया और उन्हें 18 तारीख तक जेल भेज दिया गया। एक तरह से जो सहन शक्ति है वो NCB में, शिवसेना में और कांग्रेस में, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। हालांकि भाषा का इस्तेमाल ठीक नहीं है लेकिन इस पर एक नोटिस भी दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से एक्ट्रेस को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, ये वाकई सोचनीय विषय है कि आखिर किस तरफ जा रहा है महाराष्ट्र का, राज्य सरकार का नेतृत्व। जब एक एक्ट्रेस पोस्ट शेयर करती है तो उसे बिना चेतावनी दिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए ही जेल भेज दिया जाता है। हाल फिलहाल रविवार 15 मई को ठाणे कोर्ट ने केतकी को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अलग अलग NCB के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह पर उनके ऊपर 5 FIR दर्ज करवाई हैं। एक पोस्ट जो फेसबुक पर उन्होंने लिखा था वो इतना भारी पड़ गया है कि अब उन्हें 18 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। देखो दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।